नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार रैना और पृथ्वी शो ने मचाया गदर, इस धुरंधर ने जड़ा धोरा शतक और वहीं रोहित और कोहली हुए फ्लॉप। तो जानते हैं दोस्तों आखिरकार क्या है पूरा माजरा। दोस्तों ये दरअसल जो खबर है वो रणजी ट्रॉफी से निकल कर आ रही है, तो आप लोग बने रहना हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और वहीं अगर आप भी भारतीय बल्लेबाजों को दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत के दर्शक फिलहाल रणजी ट्रॉफी 2019 मुकाबलों का आनंद उठा रहे हैं और वहीं भारत के इस घरेलू टूर्नामेंट में फिलहाल राउंड 2 के मुकाबले खेले जा रहे हैं। तो जैसे कि अभी हमने आपको कुछ ही पहले वीडियोस में बताया था कि शिखर धवन ने काफी जबरदस्त पारी खेली थी जिसमें उन्होंने अपनी टीम को जितवाया था। तो ऐसे में आइए चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डालेंगे कि जो मुकाबले और खेले जा रहे हैं उनके ऊपर नजर। तो ऐसे में आप लोग बने रहना यहाँ पे। दोस्तों एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने कि रणजी ट्रॉफी में ही धोरा शतक लगा दिया है और टेस्ट मैच को वो T20 मैच की तरह खेल रहा है। तो आइए चलिए हम आपको पूरी खबर बताते चलते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पे 4 मुकाबले खेले जा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको उन चारों ही मुकाबलों के बारे में चलिए बताते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में जो पहला मुकाबला निकल के आता है वो है मध्य प्रदेश वर्सेज तमिलनाडु के बीच में। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए तमिलनाडु की टीम मात्र 149 रनों पर ही सिमट गई और वहीं कर्नाटक की तरफ से ईश्वर पांडे ने सबसे अधिक 6 विकेट लिए और जवाब में समाचार लिखे जाने तक कर्नाटक की टीम 6 विकेट खोकर 237 रन बनाकर अभी टिकी हुई है। तो वहीं बात करें दूसरे मुकाबले के बारे में, जो दूसरा मुकाबला है वो है जम्मू कश्मीर बनाम असम के बीच में। जी हां दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करने उतरी जम्मू कश्मीर की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 179 रन बना लिए और इनकी तरफ से सूर्यांश रैना ने 11 चौकों की मदद से 73 रनों की बेहतरीन पारी खेली है और वहीं असम की तरफ से दास और रोशन ने एक एक विकेट अब तक हासिल कर लिया है। तो अब बात आती है दोस्तों उन दो मुकाबलों की जिसे देखने में आप सभी को काफी मजा आने वाला है। दरअसल दोस्तों जो तीसरा मुकाबला है वो है मिजोरम बनाम पुदुचेरी के बीच में। जहां दोस्तों इस मुकाबले में मिजोरम ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 73 रन ही बनाए थे, तो वहीं तरुवर कोहली ने इस दौरान मात्र 4 रनों का ही योगदान दिया और पुदुचेरी की टीम ने जवाब में पहली पारी में पारस डोगरा के दोहरे शतक की बदौलत 5 विकेट के नुकसान पर 485 रन बनाए थे और पुदुचेरी की टीम की तरफ से दमोदरेन रोहित ने मात्र 5 रन ही बनाए हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग पूरा यहाँ पे स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं और जो दोहरा शतक लगाया है वो लगाया है पारस डोगरा ने और वो भी मात्र 220 गेंदों में और इस दौरान उन्होंने 20 चौके और 2 छक्के जड़े थे। तो वही बात करें अगले मुकाबले की, जी दोस्तों जो अगला मुकाबला है वो है मुंबई वर्सेज रेलवे के बीच में। जी दोस्तों मुंबई की टीम पहली पारी में मात्र 114 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि इस दौरान पृथ्वी शो का बल्ला कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाया और उन्होंने 11 गेंदों में मात्र 12 रनों की पारी खेली और वहीं जवाब में उतरी रेलवे की टीम ने करण शर्मा के शतक की मदद से 266 रन बनाए थे और दूसरी पारी में मुंबई की टीम कुछ ज्यादा खास फिर से प्रदर्शन नहीं कर पाई और 10 विकेट के नुकसान पर 198 रन ही बना पाई और इस मुकाबले को रेलवे की टीम ने 10 विकेट से अपने नाम पर हासिल कर लिया और बाकी जो दूसरी इनिंग थी उसमें पृथ्वी शो ने 26 गेंदों में 23 रन बनाए थे। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है रणजी ट्रॉफी के बारे में, क्या आप लोग भी इस ट्रॉफी का आनंद उठा रहे हैं या फिर नहीं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। मिलेंगे अगली कुछ ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।